गाइस, तो आज के इस वीडियो में एक बनाने वाला है पावर सप्लाई, जिसे आप बैटरी चार्जर भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे ले रहे हैं हम, देख सकते हैं, जो कि 0 वाट है, 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर ले रहे हैं। आप 2 एम्पियर का भी ले सकते हैं, ठीक है, 0 वाट है, 3 एम्पियर का है, ठीक है, और बिल्कुल न्यू है। और उसके बाद हमें चाहिए एक यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि आप 4 डायोड को मिलाकर भी बना सकते हैं, और नहीं तो ये वाला मिल जाए तो ये भी ले सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो फ्रेंड्स पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस और प्लस लिखा था, प्लस वाला इधर है लेफ्ट साइड, तो प्लस निकलेगा आउटपुट, और जो राइट साइड में वो माइनस निकलेगा, और जो बीच में 2 लेग है उसमें हम इनपुट दे सकते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर का वायर है, ठीक है। तो गाइस, इस ब्रिज रेक्टिफायर जो है, तो इसमें यहाँ पे पहले हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनपुट के वायर में यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, और ये रहा दूसरा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट वाला कनेक्टर हो चुका है, ठीक है। तो आउटपुट के लिए करते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे लिखा है, और एक कैपेसिटर लें जो कि 25 वोल्ट 2200 UF का ले रहा हूँ। आप 2200 UF से लेकर 4700 UF का ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्लस माइनस देख के, एक माइनस है और इधर वाला प्लस है, इसके सेम यहाँ पे दे देना है, तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखे, और मैं इस पे यहाँ पे सोल्ड कर देता हूँ इस पे, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से ऐसे चिपक जाए, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सोल्ड यहाँ पे कर लिया है, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सोल्ड हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए भी इसका आउटपुट वायर इसमें हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो गाइस ये रहा यहाँ पे आउटपुट के लिए, यहाँ पे देख सकते, 2 चिमटा मैंने इसमें लगा लिया है, और यहाँ पे वायर है। तो इसको कैपेसिटर के माइनस प्लस देख के आपको यहाँ पे सोल्ड यहाँ पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सोल्ड यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ प्लस लग गया और यहाँ पे माइनस में लगा दे रहा हूँ। टैप कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसका यहाँ का मेन जो है 220 वोल्ट जहाँ से हमें दे रहे हैं, इसका हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक 2 पिन प्लग लगा लिया है, छोटा सा वायर लगा लिया है, और हम क्या करते हैं इसमें यहाँ पे लगा लेते हैं। तो गाइस कुछ इस तरह से इस पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, और इसमें माइनस प्लस नहीं रहता है, कोई सा भी वायर आप इसमें लगा सकते हैं। तो आप वगैरह इस पर आप इस पर सोल्ड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसको दोबारा से मैं ओपन कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने फाइबर स्लिप लगा दिया है ताकि ढका रहे और शॉर्ट सर्किट की कोई डर नहीं हो, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, तो गाइस यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी हो चुका है। और एक हमें यहाँ पे और एक काम करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक लड़की के टुकड़े, लकड़ी लकड़ी का टुकड़ा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे इस पे हम टाइट कर देंगे ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं इसको पेचकश देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस लड़की पे, इस लकड़ी पे, ओके। तो कर देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको इस लकड़ी के टुकड़े पे यहाँ पे कस लिया है, और इस पे यहाँ पे एक वायर को जो यहाँ पे दाब दिया होता है कि वायर ही निकले नहीं और सर्किट नहीं, हमारे तार नहीं कटे, ठीक है। तो चलिए भी इसको लाइट में लगाते हैं और इसका वोल्टेज हम चेक कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाइट में लगा दिया फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए भी इसका यहाँ पे वोल्टेज हम टेस्ट कराते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मल्टीमीटर मैंने ले लिया है, ओके, और देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने इसमें स्विच लगाया है। मैं स्विच इसमें इसीलिए लगा देती हूँ, बार बार ऐसे ऐसे करते हैं ये खराब हो जाते, तो मल्टीमीटर हमारा फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे स्विच लगा है, जो कि हम यहाँ यहीं से बंद कर सकते हैं, यहाँ से हमें ज्यादा जिस पे रहेगा उसी पे। तो इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 वोल्ट मैंने यहाँ पे DC पे सेट कर लिया हूँ, ओके, और यहाँ पे इस पे रख दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ रेड रेड प्रॉप में और ब्लैक वाला प्रॉप ब्लैक में। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 13.30 वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 वोल्ट है, ओके, तो ये अच्छे से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से एक पावर सप्लाई बना सकते हैं और इसको बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 0 वाट का यहाँ बैटरी लिया हूँ 12 वोल्ट का, और इसको कुछ इस तरह से चार्ज में कर सकता हूँ, बहुत ही अच्छा आसानी से चार्ज हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय मातरम।